नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीआरओ, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत भूटान में रोड्स एंड हाईवेज को डेवलप करती है। हुआ क्या, जुलाई में एक रोड का निर्माण कंप्लीट किया गया बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत भूटान में। जिस रोड का निर्माण पूरा किया गया था, उस रोड के साइड में जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, उन होर्डिंग्स पे इंडियन फ्लैग के स्टिकर्स थे। फिर बोलता हूं, रोड बनाया गया बीआरओ के द्वारा भूटान में। रोड के आर पार जो होर्डिंग्स लगे थे, उन होर्डिंग्स पे भारतीय तिरंगे के स्टिकर्स थे। और इसको लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया भूटान में। भूटान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अपनी सोवरेनिटी को लेके। इससे पहले भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। अप्रैल में क्या हुआ था, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भूटान में है, वहां पर एक बोर्ड लगाया गया था, दंतक वेलकम्स यू टू भूटान, जबकि दंतक इंडिया का प्रोजेक्ट है। तो इस पर भी एक बड़ी कॉन्ट्रावर्सी पैदा हो गई थी। अप्रैल की ये बात है। और उससे भी पहले थिम्पू फ्यूंट सोलिंग आर्टेरियल हाईवे, इस हाईवे का जब निर्माण किया गया था, वहां पे भी एक बोर्ड लगा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रेडिट दिया गया था। आप देखो, वैसे तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन भूटान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन चीजों के प्रति। जैसे ही ये चीजें सामने आई, भूटान सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले बोर्ड को हटा दिया, और जिन होर्डिंग्स पे इंडियन तिरंगे के स्टिकर्स लगे थे, उन पर ब्लू और व्हाइट कलर के स्टिकर्स लगा दिए गए, और ये बोर्ड भी हटा दिया गया था, दंतक वेलकम्स यू टू भूटान। मतलब साफ है, भूटान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। भूटान का एक तबका अभी भी ऐसा है जिनको डर लगता है, जैसा इंडिया ने 1975 में सिक्किम को मिला लिया था, उसी प्रकार से भूटान को भी इंडिया अपने देश में मिला सकता है। इंडिया को सेंसिटिव इसलिए भी रहने की आवश्यकता है क्योंकि देखो, अब ऑलमोस्ट 10 साल पूरे हो चुके हैं भूटान में डेमोक्रेसी आए। उससे पहले भूटान में किंग का रूल हुआ करता था, लेकिन 10 साल पहले लोकतंत्र इस्टैब्लिश किया गया भूटान में। अब इसी साल तीसरे जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं भूटान में। और देखो, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट दो जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, वो रूलिंग पार्टी पर प्रो इंडिया होने का आरोप लगा रही हैं बार बार। अपोजिशन की पार्टीज कहती हैं कि हम भूटान की सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, भूटान को सिक्योर बनाएंगे और भूटान को सेल्फ रिलायंट भी बनाएंगे। मतलब भूटान के कुछ लोग नहीं चाहते कि भूटान हर एक चीज के लिए इंडिया पे डिपेंड हो। अब हम देखो, पूरे इशू को समझने के लिए भूटान की पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी समझ लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए है। पॉलिटिक्स की चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देखो, भूटान में सरकार है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और वहां पे प्रधानमंत्री है टोबगे। 2013 में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे और टोबगे ने काफी अच्छी जीत प्राप्त की थी, 47 में 32 सीट्स हासिल की थी। इस बार भी मिस्टर टोबगे को थोड़ा एज मिलेगा, मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है। उतनी सीट शायद ना मिले जितनी पिछली बार मिली थी। भूटान में परसेप्शन ये है कि मिस्टर टोबगे ने अच्छा काम किया है। पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, भूटान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 8% रही है। कंस्ट्रक्शन और टूरिस्ट बूम भी आया है भूटान में। भूटान की करेंसी पहले क्राइसिस में थी, जिसको एड्रेस किया गया है भूटान के द्वारा। और कार इंपोर्ट पे जो बैन लगा था, उसे भी हटाया गया इसी सरकार के द्वारा। लेकिन एक चीज जिसको भूटान की अभी की सरकार एड्रेस नहीं कर पाई, और ऑपोजिशन की पार्टीज बार बार रूलिंग पार्टी पे आरोप लगा रही हैं कि आपने नेशनल डेट की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया है। अभी देखो, भूटान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और इंडिया से भूटान ने यह कर्ज लिया है, और ज्यादातर कर्ज भूटान के द्वारा इंडिया से लिया गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इस्टैब्लिश करने के लिए। वहां पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इस्टैब्लिश करने होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। भूटान के पास इतना पैसा नहीं होता तो इंडिया से कर्ज लिया जाता है।
तो ऐसे देखो कर्ज ले लेकर अब भूटान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा सका तोबगे के दौरान। अब देखो दो मुख्य विपक्षी पार्टीज, एक तो देखो ड्रक फ्यूनसम सोगपा यानी डीपीटी पार्टी, पिछली टर्म में यही पार्टी सत्ता में थी और इस पार्टी के लीडर है पेमा ग्यामसो। इन्होंने कहा है कि अगर डीपीटी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्य मुद्दा होगा, यानी हम काम करेंगे भूटान की सोवरेनिटी पे, भूटान की सिक्योरिटी पे और भूटान की सेल्फ सफिशिएंसी पे। मतलब इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग चीज है। साफ तौर पे इस पार्टी का एजेंडा होगा कि कैसे ना कैसे करके इंडिया पे अभी भूटान जो डिपेंड करता है उस डिपेंडेंसी को कम किया जाए, यानी सेल्फ सफिशिएंसी आनी चाहिए भूटान में। और बार बार इंडिया पे जो आरोप लगते हैं कि इंडिया भूटान की सोवरेनिटी में इंटरफेयर करता है, उस चीज को पूरी तरह से रोका जाए। अभी देखो भूटान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंडिया पे है, तो भूटान को सिक्योर बनाने का क्या मतलब है? क्या भूटान अब इस चीज को नहीं मानेगा? भूटान इंडिया को यह बोलेगा कि हम हमारी सुरक्षा खुद ही कर लेंगे, हम एक सोवरेन कंट्री हैं और हम हमारी सुरक्षा खुद ही कर लेंगे? अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इवन एक और अपोजिशन पार्टी है जो अभी ही काफी सुर्खियों में आई है, क्यून न्याम पार्टी। इस पार्टी को समर्थन प्राप्त है एक काफी रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर का भूटान में, और काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है इस पार्टी की भी रैलीज में। इस पार्टी ने भी कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भूटान को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। सेल्फ रिलायंस हमारा कंसर्न है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉवरेनिटी का इशू वैसे भूटान में बार बार इसलिए भी उठ रहा है, 2013 में जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो उस समय देखो इलेक्शंस से ठीक पहले इंडिया की तरफ से एलपीजी की सब्सिडी को रोक दिया गया था, यानी एलपीजी और केरोसिन पे सब्सिडी दी जा रही थी इंडिया के द्वारा भूटान को, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले उस सब्सिडी को रोक दिया गया था। और इस चीज ने टोबगे को जिताने में एक अहम भूमिका अदा की थी। मिस्टर टोबगे ने आरोप लगाया था कि देखो इंडिया के साथ रिलेशंस डीपीटी यानी पुरानी जो पार्टी सत्ता में थी उसके द्वारा ठीक से हैंडल नहीं किए गए हैं, इसी वजह से इंडिया हमसे नाराज है। तो लोगों ने टोबगे को वोट दिया था, इसीलिए भूटान की अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो कंसर्न हैं कि इंडिया सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताना चाहता है भूटान में, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी वो पार्टी जिसने पिछले 5 साल रूल किया है भूटान में और प्रधानमंत्री थे मिस्टर टोबगे। इन्हीं को जिताने के लिए 2013 में इंडिया के द्वारा पेट्रोलियम और एलपीजी पे दी जाने वाली सब्सिडी को रोक दिया गया था। भूटान इस बात को लेकर भी सेंसिटिव है कि इवन बांग्लादेश में भी इंडिया एक ही पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, अवामी लीग। शेख हसीना अभी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, और शेख हसीना की पार्टी को इंडिया डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली समर्थन देता है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी को इंडिया तवज्जो नहीं देता, इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी बांग्लादेश में सरकार बनाए और खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा श्रीलंका में भी इंडिया नहीं चाहता महिंद्रा राजपक्षे फिर से सत्ता में आए या फिर उनकी पार्टी फ्रीडम पार्टी फिर से सत्ता में आए। तो भूटान इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। जिस प्रकार की इंटरफेरेंस या फिर पर्टिकुलर पार्टीज का समर्थन करना दूसरे देशों में इंडिया अभी ये रणनीति अपना रहा है, ठीक उसी रणनीति को भूटान में भी इंडिया द्वारा अपनाया जा सकता है। रूलिंग पार्टी यानी टोबगे की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करना और बाकी पार्टीज को सत्ता में आने से रोकना। अब देखो दो चीजें हैं, पहला तो इशू जो ब्रीफ में हमने पहले डिस्कस किया डेट का, हमने डिस्कस किया कि भूटान इंडिया से बहुत ज्यादा लोन लेता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, और उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होती है उसी बिजली को भूटान इंडिया को बेच देता है। लेकिन अब देखो एक तो इंडिया के पास पावर पहले से ही ज्यादा है, यानी इंडिया अब पावर सरप्लस कंट्री है। दूसरा, इंडिया अब बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है विंड पावर पर और सोलर पावर पर, इसलिए इंडिया ज्यादा बिजली नहीं खरीदना चाहता भूटान से। लेकिन भूटान के पास कमाई का और कोई बहुत मेजर जरिया है नहीं, टूरिज्म और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भूटान की इकोनॉमी के ये दो अहम पिलर हैं। अगर इंडिया भूटान से बिजली नहीं खरीदेगा तो भूटान के लिए कर्ज चुका पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और भूटान इंडिया के डेट ट्रैप में फंस जाएगा। यानी इंडिया से जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए इंडिया से फिर से लोन लेना पड़ रहा है।
जबकि ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। इंडिया चाइना पे बार बार आरोप लगाता है कि चाइना की पॉलिसीज इस प्रकार की हैं श्रीलंका और दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज में, कि वो छोटी छोटी कंट्रीज चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। जबकि अगर यही इंडिया करता है भूटान के साथ, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। हाल ही में जीएसटी जो इंप्लीमेंट किया गया था और इवन डिमोनेटाइजेशन जो इंप्लीमेंट किया गया था, उससे भी भूटान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एक तो देखो ये इशू है, दूसरा अब चाइना के एंगल की बात करते हैं। डोकलाम के क्राइसिस हुए थे पिछले साल और वो क्राइसिस काफी गंभीर थे। भूटान एक प्रकार से उन क्राइसिस में इंडिया और चाइना के बीच में पिस के रह गया था, यानी मूक दर्शक बन के देख रहा था क्या हो रहा है। डोकलाम जो है आपको पता है भूटान का हिस्सा है। चाइना भूटान को बार बार बोलता है, पहले भी बोलता था, एक पैकेज डील ऑफर करता है कि आप देखो हमें ये लैंड दे दीजिए इंक्लूडिंग डोकलाम, जबकि हम आपको दुगना लैंड देंगे दूसरी जगह पे। लेकिन इंडिया ने भूटान को मना करके रखा है कि आप इस डील को मत मानिएगा, इसलिए भूटान ने अभी तक इस डील को नहीं माना है। लेकिन अब इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि डोकलाम में चाइना किसी प्रकार का परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है, यानी परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अगर देखो ऐसा होता है तो भूटान की जो लिवरेज है वो खत्म हो जाएगी चाइना के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट है। पहले तो चाइना बोल रहा था भूटान को कि हम आपको दुगनी जमीन देंगे दूसरी जगह, लेकिन डोकलाम पे अगर चाइना ऑलरेडी कब्जा कर लेता है तो फिर थोड़ी ना चाइना भूटान को बोलेगा कि हम आपको दुगनी जगह दे देंगे दूसरी जगह पे। फिर तो भूटान के पास बाउंड्री डिस्प्यूट नेगोशिएशंस में जो एज था वो एज खत्म हो जाएगा। इंडिया के रिलेशंस अब उतने ज्यादा खराब नहीं है चाइना के साथ जितने डोकलाम विवाद के बाद थे। उसके बाद तो भारत के प्रधानमंत्री वुहान में गए इनफॉर्मल समिट को अटेंड करने के लिए। इस वजह से भूटान भी अब कोशिश कर रहा है कि इंडिया के ही जब रिलेशन इंप्रूव हो गए हैं चाइना के साथ, क्यों ना हम पीछे रहें, हमें भी आवश्यकता है चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में। इंडिया को थोड़ा कंसर्न रहने की आवश्यकता है ताकि भूटान की जो सेंसिटिविटीज हैं वो हर्ट ना हो और रिलेशन जो अच्छे रहे हैं अभी तक इंडिया और भूटान के बीच, वो रिलेशन आगे भी अच्छे बने रहें। चलते हैं अगले आर्टिकल। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।